नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत है हमारी एक और रिव्यू वाली वीडियो में। दोस्तों अच्छी वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं एक IQ फोन का, IQ Move 9 Pro का, ठीक है। तो जो कि 5G फोन होने वाला है, तो काफ़ी मस्त फोन ही होने वाला है। तो इसका पूरा क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या कुछ हमें स्पेशल देखने को होने वाला है, सारा कुछ वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक कीजिएगा, अभी मैं सुनना कीजिएगा। तो अपन चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं और हमने देखिए ये मोबाइल फ़ोन को अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में ओपन कर लिया है, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। तो ये फ़ोन है IQ न्यू 9 Pro, ठीक है, जो कि एक 5G फ़ोन होने वाला है। इसका जो लुक दिया है भाई, काफ़ी शानदार दिया है, काफ़ी स्टाइलिश ये फ़ोन होने वाला है। सबसे पहले तो आप उसका लुक ही देख लीजिए, इसके बाद हम किसी और चीज़ की बात करेंगे। तो देखिए इसका लुक जो है भाई, काफ़ी शानदार दिया है। रेड कलर में जो बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रेड एंड वाइट है। यहाँ पे देखिए इसकी ब्रांडिंग हो रही है पीछे न्यू करके, न्यू पावर टू विन, और यहाँ पे IQ की ब्रांडिंग हो रही है। तो भाई फ़ोन पीछे से बैक से भाई काफ़ी शानदार लग रहा है देखने में, और साइड से भी जो मतलब आईफोन वाला लुक दिया है साइड से, काफ़ी स्लिम ये फ़ोन होने वाला है, ठीक है। फ़ोन मतलब भाई क्वालिटी वाइज भी काफ़ी शानदार है, तो इसी वजह से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। थोड़ी इसकी प्राइस रेंज मतलब आपको ये 30 से 40 के बीच में पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्राइस रेंज थोड़ी हाई है, लेकिन फ़ोन भी अच्छा है, कैमरा काफ़ी शानदार इसका होने वाला है। पहले तो आप लुक देख लीजिए भाई, ये बैक लुक है, और मैं आपको एक बार इसका साइड लुक दिखाता हूँ। बैक लुक ही दिया हुआ है, साइड लुक इसी में दिखेगा आपको। साइड मतलब यहाँ से देख सकते हैं साइड लुक, और फ्रंट लुक भी यहीं पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अपन अब थोड़ी बात कर लेते हैं हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप भाई, हमें ये 5G फ़ोन होने वाला है, जिस कलर की बात मैं कर रहा हूँ, ये है फायरी रेड कलर है, ठीक है। और ये 8GB वाला वर्जन है, तो 8GB रैम आपको इसमें मिलेगी, और 256GB का इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और इसका जो प्रोसेसर होने वाला है, इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि है भाई देखिए यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट प्रोसेसर ही आपको इसमें देखने को मिलने वाला है, और सुपर कंप्यूटिंग चिप है इसमें Q1, और ये फ्लैगशिप लेवल फ़ोन होने वाला है। इसमें सोनी का IMX920 का कैमरा दिया है भाई, तो कैमरा क्वालिटी तो काफ़ी शानदार होने ही वाली है इसकी, शानदार ही है, ठीक है। तो अपन साइड में और देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया आपको, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर इसमें देखने को मिलने वाला है, जो कि 1.2 नैनोमीटर एंड 22 स्कोर इसका है, ठीक है। मतलब प्रोसेसर काफ़ी दमदार दिया है भाई, लेटेस्ट ही है, जो मेरे अभी सैमसंग S22 अल्ट्रा मैं चला रहा हूँ उसमें भी यही है, तो वही प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई। तो काफ़ी शानदार प्रोसेसर दे दिया, तो स्पीड आपको अच्छी मिलने वाली है फ़ोन में, लैग करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनेगा यहाँ पे। अब इसमें हमें और क्या देखने को मिलने वाला है, बैटरी भाई, बैटरी काफ़ी बड़ी दी है इसमें, बैटरी हमें दी है भाई 5000 से ऊपर, मतलब 5160 mAh की बैटरी दी है, तो काफ़ी बड़ी बैटरी इसमें हमें देखने को मिलने वाली है। और उसके लिए 120 वाट का बिल्कुल फास्ट फ्लैश चार्जर दिया है, मतलब फास्ट चार्जर नहीं, फ्लैश चार्जर दिया है 5 से भी ऊपर, तो एकदम भाई टट लगे आपका फ़ोन चार्ज हो जाया करेगा। और इसी में अगर मैं बात करूँ भाई, जो इसकी डिस्प्ले साइज है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है हमें यहाँ पे, 6.78 इंच की डिस्प्ले मिलने वाली, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है। और वहीं पे देखिए आप रिफ्रेश रेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेंशन है, तो रिफ्रेश रेट भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है इसमें, रिफ्रेश रेट होने वाला है 144Hz का, तो एक हाई रिफ्रेश रेट इस फ़ोन में हमें दिया गया। और ये भाई प्रीमियम लीदर डिज़ाइन है इसमें, ये पीछे दिख रहा होगा आपको। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, हाँ इसमें रैम जो है, रैम काफ़ी एक्सपेंडेबल है, अगर 8GB वाला वर्जन लेते तो आप 8GB रैम और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और 12GB वाला अगर वर्जन आप लेंगे तो इसकी रैम 12GB और एक्सटेंड कर पाएंगे, तो भाई रैम भी एक्सपेंडेबल है, वर्चुअल रैम आप बढ़ा सकते हैं, तो 8GB से 8 16GB जाएगी, और 12 से 12 24GB जाएगी, ठीक है। तो दो वर्जन है 8GB और 12GB वाला, यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ, ये 8GB वाला है और एक 12GB वाला है। तो अब 8GB वाला जो फ़ोन है उसका प्राइस होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 36,999 रुपये, तो इस प्राइस में ये फ़ोन आपको मिलेगा। और इसकी रेटिंग जो है, रेटिंग भी काफ़ी डिसेंट दी हुई है, आप देख सकते हैं 5 में से 4 स्टार की इसकी रेटिंग है, काफ़ी मतलब 232 लोगों ने लगभग इसे ऑर्डर किया है, 232 लोगों ने इसको रेटिंग दी है, तो फ़ोन काफ़ी मस्त होने वाला है। बनने की आपको यहाँ पर देखिए वारंटी भी इसमें मिल रही है आपको, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कैमरा कितना मिलने वाला है वो देख लेते हैं।
तो फ्लैश चिप लेवल ये फ़ोन होने वाला है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ इसमें आपको देखिए जो क्लॉक स्पीड है वो है 3.2 GHz की, भाई अच्छी हाई प्रोसेसिंग स्पीड मिलने वाली है। डुअल चिप पावर है इसमें वो ठीक है। और यहाँ पे कैमरे की बात मैं कर रहा था, कैमरा देख लीजिए भाई, फ्लैगशिप लेवल कैमरा है इसमें। तो प्राइमरी कैमरा जो होने वाला है 50 मेगापिक्सल का है, सोनी का IMX920, ये नाइट विजन वाला कैमरा है। और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें हो सकती है इजीली भाई, 4K to 8K तक मतलब वीडियो रिकॉर्ड ये कर लेगा, 4K नहीं 8K तक कर लेगा। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया हुआ है जो कि 116 डिग्री फील्ड एंगल पे काम करेगा। डिस्प्ले मैंने बताया था कि 6.78 की डिस्प्ले है, 6.78 इंच की डिस्प्ले है। और इसका रिफ्रेश रेट जो है काफ़ी हाई है, 144 हर्ट्ज़ का इसमें हमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। और इसकी जो डिस्प्ले होने वाली है LTPO AMOLED डिस्प्ले होने वाली है, ठीक है ठीक है। हाँ अब भाई इसका एक और चीज़ देख लो, फास्ट चार्जर जो है, जो फ्लैश चार्जर इसे बताया गया है वो है भाई 11 मिनट में आपकी बैटरी 50% चार्ज कर देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाई मतलब मान के चलिए आधे घंटे में फुल चार्ज आपका फ़ोन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना फास्ट इसका चार्जर हमें देखने को मिलने वाला है। हम थोड़ा सा इसका वज़न और देख लेते हैं कितना होने वाला है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मतलब जो 12G वाला वर्जन है वो कितने का पड़ेगा, उसकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बता चुका हूँ आपको, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इसमें आ रहा है। और ये देखिए ये जो प्राइमरी कैमरा है ये 50 मेगापिक्सल का है, और ये जो अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, ठीक है। इसी में वाइब्रेंट डुअल कलर, ठीक है। एक कलर और आ रहा है पूरा फुल ब्लैक कलर में, यूनिक यूनिक स्क्वायर कल कैमरा है इसमें। और नीचे देख लेते हैं, छोड़िए वजन देखते हैं इसका वेट कितना होने वाला है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे इसका आइटम का जो वेट है भाई वो है 190 ग्राम, मतलब 200 ग्राम का भी ये फ़ोन नहीं है, काफ़ी लाइट वेट ये फ़ोन होने वाला है। तो फ़ोन भाई काफ़ी स्लिम भी है, लाइट वेट भी है, और डिज़ाइन में काफ़ी स्टाइलिश भी है, तो स्टाइलिश फ़ोन ये होगा। और अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ ये फ़ोन जो है मतलब 12GB में कितने का पड़ेगा। तो 12GB में भाई ये देखिए आप देख सकते हैं, 12GB में इसका प्राइस पड़ेगा 38,999 का, ज़्यादा नहीं सिर्फ 1,000 रुपये ही पड़ रहा है। और आपको रैम यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, 4GB और एक्स्ट्रा रैम मिल जाएगी, तो ये भी एक कमाल की चीज़ जाएगी। अगर आप ले ही रहे हैं तो भाई 1,000 रुपये पड़ा के ज़्यादा रैम का फ़ोन भी ले सकते हैं, ताकि आपको गेमिंग वेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहीं पर मैं रेटिंग को मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये फ़ोन अगर फ़ोन की रेंज बस ये है कि भाई 37-38 हज़ार तक पहुँच रही है, अगर आपका बजट इतना है तो आप इस फ़ोन को ज़रूर से ले सकते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग मिल रही है, बैटरी 5000 mAh से ज़्यादा की है, रिफ्रेश रेट काफ़ी ज़्यादा है, 120 वाट का इसमें मतलब 120 वाट का चार्जर मिल रहा है हमें। इसमें एक कलर और अवेलेबल है जो कि है ये कॉन्करर ब्लैक कलर है, ठीक है, तो वो भी काफ़ी शानदार कलर है, तो आप चाहें तो कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो मेरी वीडियो बस यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो में जो मैंने रिव्यू किया पसंद आया होगा। और ये वीडियो काफ़ी काम की होने वाली है, जो लोग अभी मतलब इस प्राइस रेंज का फ़ोन देख रहे हैं तो IQ का ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो अपन मिलते हैं एक और अगली रिव्यू वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।